वापस झूम बैक करो इधर मंदिर पे ऊपर से पहले कट करो ऊपर से। हम यहाँ हरियाणा के और राजस्थान के बॉर्डर पर गढ़ी मोलनी गांव में आ चुके हैं और हमारे साथ राहुल बंजारा एक अच्छे डेंटिस्ट डॉक्टर है, समाज सेवी है। वो हम यहाँ इस ऐतिहासिक धरोहर की मुलाकात ली और ये हमें जानकर धरोहर को देखने के बाद बड़ी खुशी होती है और दुख भी होता है। इसकी जानकारी के लिए मैं पूछता हूँ आपका शुभ नाम? सतवीर बंजारा। सतवीर बंजारा हूँ। आप? मनोहर सिंह मीणा। मीणा हो। ये छतरी किसकी है? बंजारा की। बंजारा की है। क्या नाम था उसका? नाम कुछ मान नहीं। हेमू राठौड़ बोलते हैं ना? हेमू राठौड़। हेमू राठौड़ है ना? अच्छा, तो सभी बंजारा बोलते हैं। हाँ। ये कुआ भी उसी का है? उसी का है। हाँ। अभी ये कुआ पानी पीने के काम में आता है कि अब नहीं आ रहा? नहीं, पहले पानी में खूब लेते थे गांव के लोग। हाँ। तो ये गढ़ी बोलते हैं कि सरहद में आता है। हाँ हाँ, भीड़वा की ये ऐसा है, बॉर्डर है दोनों गाँव का। हाँ बॉर्डर है, बॉर्डर है बिल्कुल। बाद में सब लोगों ने बॉर्डर बना दिया, गढ़ी बोलने का ही कहला। हाँ कहलाता था पहले। और इसे बावड़ी थी इसकी, यहाँ पर ये कुआ था। और ये बताते हैं बड़े बुजुर्ग, ये बंजारा समाज की धरोहर है। धरोहर है। हाँ, हेमू जो राठौड़ था, अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक। हाँ, आपने अच्छी जानकारी। हाँ, उसका बनाया हुआ है ये। हाँ। उसके अपर आप लोगों ने इसको खंडित कर दिया, यूज में लेने लग गए इसको। तो राजस्थान सरकार यहाँ कुछ यहाँ कोई इसने नहीं, राजस्थान सरकार ने काम किया कोई ना, हरियाणा प्रदेश सरकार ने कभी इसको किया। अच्छा, ये जो अंदर आप लोग यहाँ बंजारों की बस्ती है तो अंदर ये जो सामान रख रहे हैं उनको मिटाते क्यों नहीं? ऐसा है, आज तक किसी ने इस चीज़ के बारे में गहराई से सोचने की बात नहीं की। नहीं, इसको देखा है, सोचा भाई गांव से दूर है, चलो जो कुछ हो रहा है खाली पड़ा है हो रहा है, उसका होने जो कुछ हो रहा है तो वो अपने आवड़ी देखते हैं। चलो चलो देख लो। ये पानी का लगाया गया था स्पेशल, भाई पानी अच्छा है इसका, हैंडपंप से खींच लिया जाए बाहर से ले लो। फिर उसके बाद ये खुला था, ये चारों तरफ खुला था, खुला था। फिर मां भीतर हम पड़ गया करता अंदर, हां नीचे था उंडी थी, भाटा भाटा निकल रहा था। नहीं पर ये छतरी का मतलब यहां किसी का अग्नि संस्कार हुआ है ऐसा है क्या? ये नहीं पता, नहीं मालूम है। वो बंजारा था, बंजारा बताओ है, बंजारा बंजारा था और उसी की ये छतरी है जिसने दिल्ली पर 30 दिन राज किया था, तो उसी की यादगार में छतरी बनी हुई है। और हिंदू का हिंदू समाज का हिंदू सम्राट कहलाया और ठीक पृथ्वीराज चौहान के 800 साल बाद हिंदू शासक बना दिल्ली के तख्त पर। वो हमारा मुखिया राठौड़ था, बंजारा था। कालांतर में लोगों ने इस छतरी को दीवाले बंद करके दुकान जैसा बना दिया है, बड़े दुख की घटना है। इन पत्थरों में आज भी हमारी इतिहास की धरोहर, हमारी विरासत दबी हुई है, उसको हम बाहर लाने चाहते हैं। समाज को भी आगे आना चाहिए, इस दबी हुई इमारत के फिर से इसको पुनर्निर्माण कराएं, इसकी हिस्ट्री को बाहर लाए, ये हमारा मकसद है। इसी के साथ रेवाड़ी गाँव में इनकी हवेली है जो हेमू की हवेली के नाम से जानते हैं, वहाँ ब्राह्मणों का कब्जा है और ब्राह्मण कभी इतनी बड़ी हवेली बना के नहीं रखते। 500 साल पुरानी ये हवेली, हेमू की हवेली रेवाड़ी सिटी के अंदर है और वो हवेली उस वक़्त उसका घर हुआ करता था, बारूद बनाने का
का एक अंदर सुरंग थी, उस सुरंग के अंदर पूरा सामान का एक गोडाउन था, वो आज भी दिखाई देता है वहाँ उस हवेली में। हमारी इमारतों के लोग मालिक बन चुके हैं और कई लोग ऐसे बोलते हैं ब्राह्मण है, भार्गव है, ये बनिया है, अग्रवाल है, लेकिन वो हेमू है तो राठौड़ क्यों? राठौड़ तो राजपूत हो या बंजारा ही होता है, इसलिए हेमू भी राठौड़ बंजारा है। आखिरी सम्राट दिल्ली का तख्त पे बैठने वाला यही है हमारा बहादुर वीर नर बंजारा दुखिया हेमू राठौड़। मंदिर पर जाके फूल अभी बस।